हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट ट्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस एग्जाम एंड आपको ये भी बताऊंगी कि एमसीक्यूज आपको कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है, कैसे आप कोशिश कर सकते हैं अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने के। फिर डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लास्ट में आपको ओएमआर शीट का एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको ओएमआर शीट को फिल करना होता है, ठीक है। तो अगर आप ये सब कुछ मिस नहीं करना चाहते, आपको क्या करना है, या तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कॉमेंट से बताएं आपको वीडियोज कैसे लगते हैं। इस चैनल पे मैं जेके एस एस बी एग्जाम के कोर्सेज लेके आ रही हूँ। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है सुपरवाइजर कोर्स से। सुपरवाइजर में हमारा स्पेशलाइजेशन वाला जो पोर्शन है वो मैंने आपको कवर करवाया हुआ है, जिसमें हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, मैराथन का रिविजन भी कंप्लीट हुआ है, एमसीक्यू सीरीज भी कंप्लीट हो गई है, एंड साथ में मैंने आपको हिस्ट्री भी कंप्लीट करवाया हुआ है एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी, ठीक है। एंड अगर आप आने वाले एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी, जेके पीएससी या जेके एसएसबी के एग्जाम्स हो, तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इस पे मैं आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी कवर करवा रही हूँ। सोशियोलॉजी जो हम कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान एसेंशियल सोशियोलॉजी से, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 90% सिलेबस जो है सोशियोलॉजी का वो कंप्लीट हो गया है। एंड आपको आने वाले टाइम में इसमें जनरल स्टडीज के वीडियोज भी मिलेंगे आपके जेके एएस एग्जाम एंड यूपीएससी एग्जाम्स के, एंड जेके एस एस बी के बाकी एग्जाम्स एनटी वगैरह जैसे अब आने वाले हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी आप वीडियोस इस चैनल पे देख सकते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें मिस नहीं करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, एंड डू रेकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स। मेरे वीडियो के सारे लिंक्स एंड पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ डूज एंड डोंट्स हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के क्या होते हैं। पहला जो गोल्डन रूल है, दैट इज टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड थ्राइस, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन आता है, हमें उसका कंसेप्ट पता होता है, बट जस्ट बिकॉज हमने वो एक ही बार क्वेश्चन पढ़ा होता है, हम वो सही से जो है समझ नहीं पाते कि उसका आंसर क्या आएगा। ये प्रॉब्लम आती है। सेकेंडली क्या प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स में, कि वो जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार पढ़ लिया, उनको लगता है कि उनको समझ में आ गया और वो जल्दी से अपना ओएमआर शीट फिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है, क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ने से आप उसका आंसर गलत मार्क कर देते हो, क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन सही से समझा नहीं होता है। एंड कई प्रॉब्लम होती है, कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा है, इनफैक्ट मेरे साथ भी काफी टाइम बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन आधा पढ़ देते हैं, क्योंकि जल्दी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, और बस थोड़ा आधा क्वेश्चन देखा, हमें लगता है कि हाँ हमें क्वेश्चन आता है, तो हम जल्दी से आंसर फिल कर देते हैं। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, दो तीन बार पढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चन फर्स्ट गो में ही समझ में आ गया, स्टिल उसको सेकेंड रीड जो है जरूरी दे। ये काफी इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जो आपके एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए, आपके एग्जाम सॉल्विंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चन जो है उसको समझना, पहले दो तीन बार उसको पढ़ना, एंड आधा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, एंड जल्दबाजी नहीं करना ओएमआर फिल करने की। सेकेंड इज टेक ए क्विक लुक एट ऑल द क्वेश्चन। जैसे आप स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन कर रहे हैं, अब आई गेस अब जेके एस एस बी में सेपरेटली नहीं मेंशन होता है कि जीके पोर्शन है एंड दिस इज योर कंप्यूटर सेक्शन और साइंस सेक्शन, एक ही पूरा पेपर होता है। तो आप क्या करोगे, एक क्विक ग्लांस ले लोगे ऊपर से सारे पेजेस की, ठीक है। तो आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो दिमाग में आ जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन की रिपीटेशन होती है किसी एक फॉर्म में, ठीक है, दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन रिपीट किया गया होता है। तो आप क्या करोगे, अगर स्टूडेंट एक बार ही क्वेश्चन पढ़ लिया, उसको पूरा उसका आंसर नहीं आता होता है, लेकिन जस्ट ही टेक्स अ गैस एंड वहीं पे ओएमआर फिल कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, उस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में वो कहीं और भी प्रेजेंट हो सकता है पेपर में, ठीक है, जिससे आपका ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो सॉल्व हो जाए। तो दो आइडेंटिकल या सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं कभी कभी पेपर में आ जाते हैं। तो इस वजह से आपको क्या करना है, फर्स्टली टेक ए क्विक ग्लांस लुक एट ऑल द योर क्वेश्चन, आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पेपर किस लेवल का है, ठीक है। फर्स्ट चेक ऑल द पेजेस ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ पेज मिसिंग होता है एंड कुछ मिसप्रिंट भी हो सकता है बीच में, एंड ये सारा कंप्यूटराइज्ड है, आपका सारा सीरियल नंबर वगैरह सब जो होता है ऑलरेडी फीड होता है। तो अगर आपने आधा पेपर सॉल्व कर लिया और आपने उसके बाद देखा कि क्वेश्चंस मिसिंग है, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। इसीलिए क्या करोगे, पहले सारे पेपर क्वेश्चन देखोगे कि सारा जो है प्रिंटेड है कि नहीं, बुकलेट ठीक है कि नहीं, ठीक है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई कि मिसप्रिंट होगा या पेज मिसिंग होगा, तो अपने एग्जामिनर को आप जल्दी रिपोर्ट करोगे, ठीक है। रीड ऑल दी ऑप्शन केयरफुली, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है एंड आपको सारे ऑप्शन देखने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। ऑप्शन जो है सोच समझ के सॉल्व करनी है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करके आते हैं।
वो बोलते हैं कि मैम हमें लगा ये ऑप्शन ये नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, सामने दिखाई नहीं हमें ये वाला ऑप्शन, ठीक है जल्दी में हमने डी ऑप्शन देखा ही नहीं, जल्दी में हमने सी ऑप्शन देखा ही नहीं। तो ऐसी भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के साथ, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ सारे ऑप्शंस केयरफुली देखो और जो क्वेश्चन है उसको भी केयरफुली समझो। चेक फॉर द एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, अब देखो ये चीज मैंने आपको अपने लेक्चर्स में भी बताई है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, कभी कभी ऐसा लिखा होता है इसे क्वेश्चन में आता है कि ओनली या ऑल, ठीक है ये वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना ये मोस्टली एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स माने जाते हैं, जैसे कि ओनली यही मिनिस्ट्री इस केस को हैंडल कर सकती है, ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ उसे कि यही मिनिस्ट्री इस केस को हैंडल कर सकती है, तो वहां पे ओनली लिखा होगा। अगर तो आपको इसका आंसर पता है, आपने पढ़ा है, आपको पता है, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं पता है एंड यू हैव टू टेक अ गेस, यूजुअली क्या होता है जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं जहाँ पे ओनली या ऑल चीजें मेंशन होती है वो गलत होते हैं, इसके 50% 60% चांसेस होते हैं गलत होने के, ठीक है। एक तो अगर आपने ठीक ठाक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो अपने क्वेश्चंस का क्वांटिटी बढ़ाना है आपको, ठीक है आपको लग रहा है सॉल्व करके कि नहीं मेरे ज्यादा क्वेश्चंस मेरे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्वांटिटी क्वेश्चंस की बढ़ानी है, तो जो एक्सट्रीम क्वेश्चंस एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनमें आप ये गैस ले सकते हो, यूजुअली वो वाली जो स्टेटमेंट होती है वो गलत होती है, सही भी हो सकती है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में या 50-60% मान लो वो गलत होती है। तो अगर आपको एक्चुअली नहीं पता है एंड आपको अपने क्वेश्चन जो है सॉल्व करना ही है, क्वांटिटी बढ़ानी है, तो इसमें आप ये गेस ले सकते हो ये वाला क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं जिसमें ओनली ऑल जैसी चीजें मेंशन्ड हो। आगे देखते हैं, चेक द जेनरिक स्टेटमेंट्स। देखो जेनरिक स्टेटमेंट्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की एप्लीकेशन दी हुई है, ठीक है यूजुअली साइंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई एक डिवाइस है फॉर एग्जाम्पल थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की एप्लीकेशन कुछ दी होंगी ए बी सी एंड डी ऑप्शनों का ऑल ऑफ द अबव, तो यूजुअली जो ये जेनेरिक सी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें चीजों की एप्लीकेशन दिए होते हैं, यूजेस दिए होते हैं चीजों के, इनके मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है। फाइन, एक तो अगर आपको आंसर पता है तो दैट इज फाइन, ये जो दो चीजें हैं ना ये मैं इस केस में बोल रही हूँ कि अगर आपको आंसर नहीं पता है लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ओवरऑल आपने अभी काफी कम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये दो तरीके के गेस जो है आप अपने क्वेश्चन में ले सकते हो, ठीक है पर ये भी ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग है। फाइन, एंड फर्स्ट पुट अ डॉट ऑन क्वेश्चन पेपर देन मार्क द ओएमआर शीट। अब देखो ओएमआर शीट काफी रिस्की भी होता है क्योंकि इसको रिवर्स करने में अगर आपने गलत किया है उसको अब सही करना इसमें काफी मुश्किल है, एंड आई वुड से कि कोशिश नहीं करना सही करने की, इसीलिए पहले क्या करोगे आप, अब फॉर एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन आपने पहले पढ़ लिए हैं उनके डॉट्स आपने क्वेश्चन पेपर पे डाल दिए, हल्के हल्के डॉट डालना, उसके बाद देख के ध्यान से ओएमआर शीट फिल करना, ऐसा नहीं जल्दबाजी में कर रहे हो सीरियल नंबर 1 है 2 है 3 है एंड आप सीरियल नंबर 1 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर सेकेंड नंबर में जो है वो सिलेक्ट कर रहे हो। फाइन, इसीलिए आप क्या करोगे पहले क्वेश्चन पेपर पे डॉट डालोगे 5 क्वेश्चंस का, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 या 6 क्वेश्चंस का, फिर आप आराम से अपनी ओएमआर शीट पे देखोगे 1 का आपने कहाँ डॉट डाला था 2 का कहाँ डाला था, एंड ओएमआर शीट अकॉर्डिंगली फिल करोगे, ठीक है। अब ओएमआर शीट का क्या किस्सा है वो हम आगे देखेंगे। लुक फॉर द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स काफी प्रॉब्लम कर जाते हैं अपने लिए, क्वेश्चन में ये देखना कहीं पर नॉट तो नहीं लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन, ठीक है फॉर विच दिस इज नॉट यूज्ड, या कहीं पे करेक्ट या इनकरेक्ट लिखा होगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें कभी कभी क्या लगता है क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा है जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जैसे इनकरेक्ट हो गया नॉट हो गया, ये यूजुअली हमारी आंखें डिटेक्ट नहीं करती हैं, तो हम क्वेश्चन को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका उल्टा सॉल्व करते हैं, ऑल्दो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट पता होता है लेकिन क्योंकि हमने क्वेश्चन का कीवर्ड नहीं देखा होता है हम इसको उल्टा सॉल्व करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अगर इन क्वेश्चन में आप गलती करोगे ना कॉन्सेप्ट आने के बाद भी, तो ये होता है कि आप अपने हाथ से अपने मार्क्स गवा रहे हो, आप अपने हाथ से अपनी सीट किसी और को दे रहे हो, ठीक है। तो कीवर्ड्स देखोगे क्वेश्चन में नॉट तो नहीं लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू डू दिस, ठीक है एंड इनकरेक्ट, ठीक है। तो नेगेटिव क्वेश्चन तो नहीं है वो आप पहले जरूरी देखोगे, तो ये कीवर्ड देखना। ये थे कुछ पेपर सॉल्विंग एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं उनकी चीजें। देन वेयर अ सिंपल वॉच, डिजिटल वॉच नहीं पहनना, डिजिटल नहीं सॉरी स्मार्ट वॉच नहीं पहनना। कई बार एग्जामिनेशन सेंटर में क्या हो जाता है डिजिटल वॉच भी अलाउ नहीं करते हैं, कोई एग्जामिनर्स का इश्यू है मुझे नहीं पता, ऑल्दो डिजिटल वॉच इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सिर्फ स्मार्ट वॉच है, बट ट्राई कि पुराने जमाने की एनालॉग वॉच वही लेके जाओ, लेकिन वॉचेस जो है लेके जाना क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर्स में हर जगह जो है वॉल क्लॉक्स नहीं लगी होती हैं।
यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, ओएमआर के लिए सिर्फ हम ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करते हैं, तो आप क्या करोगे, यही साथ ले जाओगे, एडजल पायलट वगैरह ये साथ नहीं लेना, आई थिंक ब्लू भी यूज होता है। तो जिसने जेकेएसएसबी के पुराने एग्जाम्स दिए हैं दे कैन क्लियर इट बेटर, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ओएमआर में हम सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट यूज करते हैं, तो ब्लैक बॉल पॉइंट लेके जाना, ठीक है। लास्टली डोंट फॉरगेट टू टेक वाटर बॉटल विद यू, खासकर जो जम्मू के स्टूडेंट्स हैं क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गया अब तो, इस टाइम पे कश्मीर में भी अच्छी खासी है, तो क्या करोगे, वाटर बॉटल उसमें चाहे सादा पानी या ग्लूकोज वाटर ये जरूरी साथ लेके जाना, फिर कहाँ वहां एक दूसरे से मांगते रहोगे कि मैम पानी पिला दो, ठीक है। इसलिए अपनी वाटर बॉटल, वॉच, पेन, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ये चीजें नहीं भूलना, एंड जैसे कि आपको एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कि आधे घंटे पहले पहुंचना है एग्जामिनेशन सेंटर में, तो आधे घंटे पहले ही पहुंचना, क्योंकि कई जगह काफी स्ट्रिक्टनेस होती है वहां पे, फिर एग्जाम अलाउ नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को। अभी रिसेंटली जो यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ है, ठीक है, संडे को जो था, तो वहां पे कई स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं हुई एंट्री, क्योंकि वो टाइम के थोड़ा बाद आ गए थे, लाइक उनको 20 मिनट पहले पहुंचना होता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच गए थे, तो इस वजह से उनको अलाउ नहीं किया गया था, ठीक है। तो कई सेंटर्स में स्ट्रिक्टनेस होती है, इसलिए इसका ध्यान रखना। ये ओएमआर शीट है, ऐसे करके आपको एनसर्कल करना होता है अपना आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले ये क्वेश्चन पेपर हो गया, पहले पेज पर जितने क्वेश्चन है उनके आपने डॉट डाल दिए, फिर ओएमआर शीट आप फिल करोगे। अब जिन क्वेश्चन में डाउट है वो अभी आप रहने दोगे, ठीक है, वो रहने दोगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कभी कभी आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो अगर आपने गलत मार्क किया, लेट सपोज आपको पता है कि आंसर आपने बी मार्क किया लेकिन आपको पता है आंसर डी है, गलती से बी मार्क हो गया, तो अगर आपने डी मार्क कर लिया है, इस केसेस में यूजुअली आधे क्या करते हैं, फ्लूइड यूज करते हैं, आधे इरेजर से इरेज करने की कोशिश करते हैं, आधे ब्लेड से इसको उठाने की कोशिश करते हैं। आई वुड सजेस्ट ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि इस चक्कर में अगर फट गया ओएमआर शीट या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये इनवैलिड हो सकता है। फाइन, स्टूडेंट्स ने किया है, कुछ बोलेंगे अपने एक्सपीरियंस से कि उनका सक्सेसफुल रहा है, बट आई वुड सजेस्ट प्रिवेंशन जो है वो करना इसकी। वो कैसे करोगे, क्वेश्चन पहले से ध्यान रखना कि सही से सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि किसी से, चलो किसी का सक्सेसफुल केस रहा ऐसे इरेज करने का, बट मेजॉरिटी का नहीं रहता है, ठीक है। एंड अगर ब्लेड से करोगे या इरेजर से करोगे, हो सकता है वो इंक फैल जाए या ओएमआर शीट फट जाए, उसको बचाने की कोशिश करना। तो ये आपका ओएमआर शीट ऐसे होगा, ऐसे करके आपको एनसर्कल करना है, पहले यहाँ पे एनसर्कल कर दोगे ए को, फिर अंदर करके वो गोल जो है वो फिल कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये बारकोड होता है, ये जो बारकोड स्कैनर है इससे बिल्कुल टैम्परिंग नहीं करना, इस पे कोई भी चीज की इंक वगैरह ऐसी नहीं डालना, क्योंकि यही स्कैन होके आपके सारे जो आंसर्स हैं वो उनपे वहां पे उनके सॉफ्टवेयर में सेव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, इस पर बिल्कुल टैम्परिंग नहीं करना। एंड ये आपके ओएमआर ऐसे आपको गोल्स जो ओवल्स हैं वो फिल करने होते हैं, वो ध्यान से फिल करना। एंड ये कुछ क्वेश्चन, ये कुछ चीजें थी जो आपको हेल्प करेंगी वहां एमसीक्यू सॉल्व करने की, इनका ध्यान रखना। ये जो मैंने ये स्लाइड बनाई थी ये बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट्स के साथ रही है जिन्होंने एग्जाम्स में ये सारी गलतियां की हैं, एंड मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है गलतियां करके आते हैं, ठीक है। तो आप ये गलतियां नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाया कि ये गलतियां कैसे अवॉइड करनी है। फाइन, एंड लास्टली नर्वस नहीं रहना है, पैनिक नहीं करना है, पानी पीना है, एंड कूल काम रह के जाना है। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर कोई ध्यान नहीं देना, कोई बोल रहा है मैंने 10 रिविजन किए, कोई बोल रहा है मैंने 20 रिविजन किए हैं, ठीक है। एग्जाम खत्म हो जाए, आई वुड सजेस्ट कि वहां पेपर डिस्कस करने नहीं बैठना, चुपचाप आना, घर आना, आंसर की फिर आई जाती है, डिस्कशन जो है वो यूट्यूब पे आई जाएंगे बाद में, वहां से देखना। वहां अपना एग्जामिनेशन से पहले और एग्जामिनेशन के बाद प्लीज अपने आप को मेंटेन रखना, कंपोजर काम, ठीक है, एंड दिमाग अपना खराब नहीं करना जो आसपास की बातें होंगी उनसे। एंड लास्टली जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, आपने पढ़ा है एंड यू विल एस दिस एग्जाम, ठीक है। तो टिल द टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, एंड डू रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।